हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। आज हूँ भुज में और दरबारगढ़ चार दीवारी वाले परिसर में हूँ, जिसके भीतर कुल 3 महलें हैं। मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ आईना महल और प्राग महल में। अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। काफ़ी पतले रास्ते से होकर के हमें यहाँ तक आना पड़ता है और फिर यहाँ अंदर घूमने के लिए है प्राग महल और आईना महल, दोनों बिल्कुल आसपास हैं। और तीसरा महल फिलहाल बन रहा है, जो 2001 के भूकंप में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। यहाँ कई सारे स्टॉल्स या दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप कच्छ गुजरात के हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैंने चुना आईना महल घूमना, क्योंकि ये कंपैरेटिवली छोटा है और यहाँ कम टाइम लगने वाला था। एंट्री फी है 30 रुपये पर पर्सन, और आप अगर मोबाइल से भी कैमरे की तरह यूज़ करने वाले हैं, फोटोग्राफी करने वाले हैं, तो उसके लिए 100 रुपीज़ देना पड़ता है। यहाँ नो वीडियोग्राफी पॉलिसी है। मैंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके कुछ वीडियोस बनाए। 1752 में बना यह भुज स्थित सुंदर महल एक भूकंप में अपनी शीर्ष मंजिल खो गया, लेकिन निचली मंजिल यात्रियों के लिए खुली है, जिसमें 15.2 मीटर का एक शानदार स्क्रॉल कच्छ राज्य जुलूस दिखा रहा है। महाराज लखपत जी ने 1750 में वास्तुकार और डिजाइनर राम सिंह मालम को परियोजना शुरू की, जो 18 वर्षों तक यूरोप में रहे और कई यूरोपीय वास्तुकला कौशल में महारत हासिल की थी। संग्रहालय कच्छ के आभूषण, हथियार और कला का एक शाही प्रदर्शन है। सामने है तीसरा महल, जिसकी मरम्मत चालू है और शायद जब मैं यहाँ दोबारा आऊँ तो ये भी देखने लायक हो जाएगा। अब हम जाएंगे प्राग महल, जहाँ की एंट्री टिकट फी है 50 रुपये। अगर आप वीडियो कैमरा यूज़ करना चाहते हैं या स्पेशल डिजिटल कैमरा, देन आपको 100 रुपये फीस देनी होती है। मोबाइल के यूज़ से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कुछ यहाँ अलाउड है। राव प्राव मलजी द्वितीय के नाम पर, जिन्होंने प्राग महल का निर्माण शुरू किया था, महल की पहली ईंटें 1865 में रखी गई थी। इससे इतालवी गोथिक शैली में कर्नल हेनरी सेंट विल्किंसन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उनकी टीम में कई इतालवी कारीगर शामिल थे और उनकी मजदूरी सोने के सिक्कों में दी जाती थी। काम पूरा करने के लिए अंततः 3.1 मिलियन रुपए लगे और 1879 में महल अपनी पूरी महिमा में खड़ा हो गया। तब तक रीजेंसी ने 1875 में प्राग मलजी द्वितीय की मृत्यु के बाद खेंगरजी तृतीय, जो कि उनके बेटे थे, उनको बदल दिया। उन्होंने स्थानीय कच्छी बिल्डर समुदाय को नियुक्त किया निर्माण के अंतिम चरण में कर्नल विल्किंसन के मार्गदर्शन में। पैलेस में एक बड़ा दरबार हॉल, चौड़ा बरामदा, 45 मीटर ऊंचा घंटाघर है और 10 वर्षों की अवधि में कच्छ क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग करके इसे बनाया गया था। यहाँ लगान जैसे कई अन्य मूवियों की भी शूटिंग हो चुकी है, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ 6000 रुपये देकर प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं।